ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा अकरहु सोबेगी दास मैं तोरा। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई। एहि सरयावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। जयनाथ हित हम परने हूँ तौ करि कृपा मोहि बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहुँ भरि लोचन कृपा करहुँ प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। धन्यावती जुबती जगसोई रघुपति भगत जासुसुत होई। नतरु बाँझ भली बाद बियानी राम विमुख सुत तेहित जानी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। सो सुख करम धरम जरि जाऊ जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई जो बिरांची संग कर सम होई। ब्रह्म सुख ही अनु
भवहि अनुपा अकथय नामय नामन रूप जाना चहि गुणगति जेऊ नाम जिह जपि जानहि तेऊ। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों आज इसी स्तर का भजन है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से होता है। भगवान ने भी गीता में कहा अर्जुन निमित्तम मात्र भव भव्य साचिम, तुम केवल निमित्त रहो, कर्ता धर्ता तो मैं हूँ। वस्तुतः साधना की एक ऐसी स्थिति आती है कि साधक वहाँ केवल यंत्र मात्र रह जाता है, उस यंत्र के संचालक स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। वह स्थिति कब आती है? जब सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा की उपलब्धता वह कण कण में देखने लगे, हर जगह उसकी ही कृपा की मौजूदगी उसके दिलो दिमाग में बस जाए। तब एक ऐसी अवस्था आएगी जिस समय भगवान सब करते हैं, जीव कुछ नहीं कर पाता। और उसके पहले जो जीव यह समझता है कि मैं कर रहा हूँ वह व्यर्थ ही समझता है, वह भी उसका एक भ्रम होता है क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी स्तर का बहुत ही विख्यात भजन है। आइए सबसे पहले हम लोग भजन सुन लेते हैं, उसके बाद फिर उसका अर्थ जानेंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहिं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहिं विधि राखे राम ताहिं विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए, जाहिं विधि राखे राम वाहिं विधि रहिए।
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, काम रस त्याग पगले नाम रस पगिए, काम रस त्याग पगले नाम रस पगिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सज्जनों, इन महापुरुष का कहना है इस भजन में कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वास्तव में मंत्र तो ओम राम है, लेकिन यहाँ सीताराम जपने को कहते हैं, अर्थात माता सीता मानस में तीन स्वरूप में आई हैं, शक्ति शांति और भक्ति, इनका यह तीन स्वरूप है। जब वह जनक के पास रहती हैं तो भक्ति रूपी सीता होती हैं, जब वहीं अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की रानी बन के आती हैं तो शांति का रूप सीता रहती हैं, और जब वहीं सीता जी रावण के द्वारा हर करके ले जाई जाती हैं और वहां से फिर भगवान श्री राम विजय प्राप्त करके फिर से उन्हें अयोध्या लाते हैं, तो वहीं माता सीता फिर शक्ति का रूप लेती हैं। तो वास्तव में राम राम जपना है, लेकिन सीता जी के साथ अर्थात भक्ति के साथ, भक्ति मिस अनुराग, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं
कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि जप जोग बिरागा। बिना अनुराग के अर्थात बिना सीता कहे राम नहीं मिल सकते, बिना भक्ति के भगवान का नाम आप कितना भी जप लो लेकिन वह नहीं आपके लिए उपलब्ध होंगे, क्योंकि आपने भक्ति पूर्वक नाम का जाप नहीं किया। इसी को कहते हैं एक जगह कि राम राम सबको कहे ठग ठाकुर और चोर प्रेम बिना रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। वह परमात्मा जब तक सीता राम अर्थात भक्ति के साथ आप नहीं जपेंगे राधे कृष्ण सीता राम, आप लोग देखते हैं सबसे पहले सीता तब राम उसके बाद राधे तब कृष्ण, तो राधा जी भी भक्ति का ही प्रतीक हैं, साक्षात भक्ति का मूर्तिमान हैं, और जब भक्ति के साथ उस परमात्मा का नाम जपा जाता है पहले बैखरी से फिर मध्यमा से फिर पश्यंती फिर परा, तो फिर वह नाम सार्थक होता है। और ऐसे तो राम 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 सब कोई कहता है, ठग कहे ठाकुर कहे और चोर भी कहे, तो क्या उसको राम जी मिल जाते हैं? नहीं। प्रेम बिना रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर, प्रेम के बिना तुलसीदास जी कहते हैं वह नंद का किशोर कभी नहीं खुश होता। इसलिए यहाँ ये महापुरुष कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए अजाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इसलिए भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक गीता में भी भगवान ने अर्जुन को निर्देशन किया कि अर्जुन श्रद्धावानम ज्ञानम लभते तत्प्रसादात सेते इंद्रिया, श्रद्धा पूर्वक जो मेरे नाम ओम का जाप करता है राम का जाप करता है वह निश्चित ही संयत इंद्रिय को प्राप्त होता है, उसकी इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं वह धीरे धीरे स्नेह स्नेह अंतर्मुखी हो जाती हैं। तो जिस विधि से भगवान का नाम जपना चाहिए उस विधि से अगर साधक जपे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य परमात्मा को वह एक दिन प्राप्त हो जाता है। और भगवान का नाम जपे और मन में यह आशा रखे कि वह जिस विधि से हमें रखेगा उस विधि से हम रहेंगे, क्योंकि सबरी को भगवान भक्ति का उपदेश देते हैं उसमें पंचम भक्ति में कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सोबेद प्रकाशा। मंत्र का जाप हो और दृढ़ विश्वास हो यह पांचवी भक्ति की अवस्था है, सीढ़ी है, स्टेप है। तो जाही विधि राखे राम, भगवान की भक्ति करें और मन कामनाओं से आक्रांत न हो, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा अर्जुन मुझे छोड़कर अगर कोई भी जीव अन्य देवी देवताओं को भजता है तो निश्चित ही उसकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है। काम एस्ते अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या निहिता स्वया। इसलिए भक्ति करना है कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा का परित्याग करना है। मन में यह सोचना है कि जिस विधि से हमें भगवान रखेगा वह चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, चाहे वह हंसी दे चाहे वह गम दे, जो हमें दे हमें स्वीकार है, हम अपनी तरफ से कुछ इच्छा प्रकट नहीं करेंगे।
यही एक सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम और अच्छे भक्त का लक्षण होता है कि प्रभु का नाम तो जपेगा लेकिन मन में यह रहेगा कि वो जिस विधि से हमें रख दे वही विधि हमें स्वीकार है, इसी का नाम है इच्छा का परित्याग करना। इसलिए जाहीं विधि राखे राम, ओ राम वह परमात्मा जिस विधि से रख देगा उसी में हित है। कह जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा रहूं कबौ न छाड़ूं साथ। साधक जब भजन करने चलता है तो मन में तमाम तरह की इच्छा होती है, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन हमें भोजन देगा। हम भजन भाव परमात्मा के लिए निकल तो पड़े, तमाम तरह की उसके मन में जिज्ञासा रहती है, लेकिन फिर मन में होता है प्रभु जिस विधि से रख देंगे वो विधि अच्छी है। तो भगवान का जैसे ही भक्ति करने चल देता है, ध्रुव की तरह 10 कदम बढ़ा ही होगा कि राजा साहब सैनिकों को भेज दिए, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले पिताजी को ढूंढने। ध्रुव जी ने कहा सैनिकों से, बोले आपके पिताजी बुलाए हैं चलो, बोले नहीं मेरे पिताजी तो जो सबके पिता हैं वही हैं, वो रहते हैं जंगल में, माने ऐसा बताया है। जब राजा साहब को सैनिकों ने यह बात बताई तो राजा साहब रथ पे सवार होके गए, बोले भाई तुम क्यों जा रहे हो, जाने का कारण पिताजी अगर मिल जाएंगे तो उनसे मांगोगे क्या। ध्रुव जी ने कहा मेरी माता को इतना खाना कम क्यों देते हैं, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, मैं यहीं पूछूंगा यहीं मांगूंगा। राजा साहब ने कहा कि चलो आज से तुम्हारी माता को 2 गुना भोजन मिलेगा, जितना मिलता था उससे ज़्यादा अनाज मिलेगा, और तुम्हारे पिताजी मैं हूँ और मैं आया जाया करूँगा। ध्रुव जी ने कहा नहीं, हमारी माता ने बताया पिताजी जंगल में हैं और आप मेरे पिता से डरते हैं, तब तो 2 गुना राशन कर दिए। उसी पर ध्रुव जी ने कहा कि जिन प्रभु किए सेरते दूना, अतिन कर भवन कबहू की सुना। भगवान की अभी मैंने भक्ति की नहीं, अपने पिताजी को पाया नहीं, तो अनाज हो गया 2 गुना, और अगर कहीं उनकी भक्ति मैं कर लिया तो फिर तो बात ही बन जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त मेरी राह पर चल देता है तो ध्रुव जी ने ये नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं आते और उनसे अनाज नहीं मांगा, ध्रुव जी उनके ही स्वरूप हो गए। सोई जानहुं जेहि देहुं जनाई, अजानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, अजानत भगत भगत उर चंदन। तो भगवान का स्पर्श हो गया, ये दोनों प्रश्न खत्म हो गए, भगवान को पा लिए, सहज स्वरूप मिल गया। तो कहते हैं भक्त जहाँ पग रखता है भगवान अपने हाथ रख देते हैं, बस जरूरत है तो उस भक्त को अपना पहला पग भक्ति के तरफ, पहला डेग भक्ति के तरफ बढ़ाने का। जैसे ही पहला पैर भक्ति के तरफ रखता है भगवान उसके दूसरे पैर के सामने अपना हाथ रख देते हैं ताकि मेरे भगत को कष्ट न हो। तो प्रभु जिस विधि में रख दें उस विधि में रहना स्वीकार हो। भक्ति में पहले माता मीरा के तरह, ध्रुव प्रहलाद के तरह, तुलसीदास जी के तरह तमाम तरह के आक्षेप और दुख आएंगे, लेकिन धीरे धीरे भगवान ही परीक्षा लेते हैं। कबीर साहब पर भी नाना तरह की लांछनाएँ लगाई गई, लेकिन एक दिन जो लांछना लगाने वाले थे वहीं भक्त हो गए। तो जिस विधि से भगवान रखें उसी विधि से रहना चाहिए। आगे ये भक्त कहते हैं कि साधक का भाव कैसा हो, तो मुख में हो राम नाम
राम सेवा हाथ में। मुख में हमेशा परमात्मा का नाम राम, सकल नामन्ते अधिका हो हूँ नाथ खगन बधिका, हमेशा उन भगवान का नाम हो। जैसा हमारे पूज्य देव गुरुदेव भगवान स्वामी जी कहते हैं कि साधक को या जीव को या गृहस्थ भक्त को, कोई को भी चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में नाम का जाप करते रहना चाहिए। यहाँ पर भी ये महापुरुष यही कह रहे हैं कि मुख में हो राम नाम। दादा गुरु महाराज कहते थे हो कुछ सेवा भी साधक को ढूंढ लेना चाहिए, और नहीं तो हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे, रोग घेर लेंगे। आश्रम में मान लो झाड़ू ही मारना है या और अन्य तरह की सेवा है, तो कुछ न कुछ साधक भक्त को करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये महात्मा कह रहे हैं कि मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, उन परमात्मा की सेवा हाथ में रहे, और मुख में राम नाम हो, हाथ में सेवा हो। और अगर ऐसा कर रहा है वह जीव तो कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। इसलिए तब वो साधक अकेला नहीं है। 6 महीना अगर जीव ओम का या राम का इसमें से कोई एक अक्षर का जाप करे सुबह शाम, और कुछ टूटी फूटी संत महापुरुषों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, भगवान की सेवा करे, तो निश्चित रूप से उसे यह आभास एवं प्रतीत अर्थात विश्वास होने लगेगा कि उसके साथ में एक थर्ड पावर, एक कोई तीसरी सत्ता, एक कोई दूसरी सत्ता उसके साथ में हमेशा विराजमान है। वो गिरता है तो उसे वह उठाती है या गिरने से बचाती है, वह सो जाता है तो उसकी रक्षा करती है, समय से नहीं उठता तो जगाती है। ये ऐसा उसे निश्चय ही विश्वास होने लगेगा, उसे लगेगा कि हमारा कोई न कोई मदद कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब राम नाम मुख में हो जाएगा और हाथ में उनकी सेवा हो जाएगी, आप जो भी कार्य संसार में करते हैं वह भगवान का आज्ञा और आदेश मान करके करें, उस कार्य से किसी को दुख न हो, उस कार्य से किसी को उद्विग्न न पैदा हो, वह भगवान का कार्य है। और उस कार्य को करते समय आपका जीवा खाली है, इसलिए मुख में राम नाम हो, उन परमात्मा का राम नाम हो, तो अगर ऐसा जीव करने लगा तो राम जी उसके साथ में हो जाएंगे, क्योंकि राम जी कहीं बाहर नहीं हैं, भीतर में ही हैं, लेकिन उसको अभी आभास नहीं हो रहा है। ऐसा करेगा तो आभास हो जाएगा। तो कहते हैं कि तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तुम अकेला अपने आप को नहीं समझो, भगवान तुम्हारे साथ में हैं। कह जा को राखे साइया मार सके ना कोय, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जब भगवान साथ में हो गए तब आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। उसी को कबीर साहब ने कहा कि सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। भगवान ही जब आपकी रक्षा करने लगे तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता। हम लोग के आश्रम के वरिष्ठ संत श्री धारकुंडी जी महाराज, जिनका निवास सतना मध्य प्रदेश में है, गुरु महाराज के आज्ञा अनुसार एक मचान बनाकर थोड़ी दूर पे जाके भजन करने लगे। रात में एक लकड़बग्घा शेर उनकी फिराक में मचान के अगल बगल ऊपर नीचे चढ़ने की कोशिश में लगा था, कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए। दादा गुरु महाराज अंग स्पंदन के माध्यम से फिर उनको लगा कि कोई एक चटकना उनके मुख पर मारा और उठ के बैठ गए। जब उन्होंने देखा कि नीचे बाघ है तब उसे भगाने का उपक्रम ऊपर से ही किया, वो भाग गया।
तो भगवान आप अपने भक्त की पल पल, सद्गुरु महापुरुष भगवान अपना भक्त जो उनका होता है उसकी रक्षा, वो कहीं भी रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, उनके नज़दीक रहे या उनसे लाखों मीटर दूर रहे, उसकी वो रक्षा करते रहते हैं। तो कहते हैं तू अकेला नहीं प्यारे राम, तेरे साथ में। इसलिए महाराज जी कहते हैं हो माया, भगवान और गुरु तीनों सदैव साथ में रहा करते हैं। जिधर साधक का चित्त जाएगा उधर की ओर बहक जाएगा, अगर गुरु की तरफ गया तो गुरु महाराज बचा लेंगे, भगवान बचा लेंगे, माया की तरफ गया बहक जाएगा। इसलिए कहते हैं विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जो कुछ भी हो रहा है इसे विधि अर्थात परमात्मा का विधान समझो, ऐसा मत समझो आज सुख हो गया दुख हो गया तो क्या बताएं हो गया नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वह पहले से अलर्ट है। इसलिए अपने आप को समान रखो। गीता में भी भगवान ने कहा कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्जुन सुख और दुख में अपने मन स्थिति को जो समान कर लेता है वही वास्तविक भक्त है। वह कब होगा? भगवान जब साथ में हो जाएं। और भगवान कब साथ में होंगे? जब मुख में राम नाम और उनकी सेवा हाथ में होगी। इसलिए विधि का विधान जो कुछ भी हो रहा है वह आपका एक पहले से सुनियोजित ढंग से बनाया हुआ विधान है और वो परमात्मा के द्वारा हो रहा है। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण, गोस्वामी जी ने इसी को रामचरितमानस में कहा कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, जस हो, अपजस हो, ये सब विधि के हाथ में है। इसलिए सीताराम सीताराम, तो जीव का क्या मात्र अधिकार है कि वह भक्ति पूर्वक राम राम जपे, भक्ति पूर्वक मंत्र का जाप करे, बस उसका केवल उसी में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। इसलिए भगवान ने कहा भी कि कर्मणा वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्जुन कर्म में तेरी श्रद्धा हो फल में तेरा श्रद्धा न हो। इसलिए आगे उन्होंने कहा कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। भक्ति पथ में अगर अभिमान ही सबसे बड़ा रोड़ा है, अभिमान अगर जीव के पास थोड़ा सा भी आ जाता है तो फिर वह मान नहीं प्राप्त कर सकता। मान मतलब भगवान की कृपा, कृपा ही सबसे बड़ा मान है। बाकी संसार में जो मान सम्मान ये मिलता है ये तो क्षणिक है, कुछ देर तक वही व्यक्ति मान देता है, फिर कुछ देर बाद वही व्यक्ति अपमान देने लगता है, कुछ देर तक वही व्यक्ति सम्मानित होता है और कुछ देर बाद वही व्यक्ति अपमानित होने लगता है, ये तो क्षणभंगुर है। लेकिन वास्तविक मान है प्रभु की कृपा, और वह तब मिलेगी जब जीव अभिमान से रहित हो जाए। इसलिए कहते हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। एक बार क्या है, गरुण जी और सुदर्शन दोनों को अभिमान हो गया, कि गरुण को अभिमान हो गया कि हमसे ज़्यादा तेज भगवान को कोई नहीं ले जा सकता, और सुदर्शन को अभिमान हो गया कि हम ही भगवान के सबसे बड़े हैं, हम न रहते तो वो राक्षस न मरता, हम न रहते तो शिशुपाल का वध न होता। भगवान मन ही मने दोनों भक्त की अभिमान भरी चित्तवृत्ति को, संकल्प को पकड़ लिए। तो एक दिन भगवान बैठे हुए थे, भगवान ने गरुण को बुलाया और कहा गरुण
जाओ तो एक मेरा भक्त है यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत पर राम राम जप रहा होगा, उसे बुला के ले आओ। गरुण जी ने कहा, प्रभु मैं यूं गया यूं बुला के लाया, आप निश्चिंत हो बैठे रहें। गरुण जी गए, वहाँ पर हनुमान जी को एक बानर समझा। उन्होंने कहा, अरे बानर, तुमको भगवान जी याद कर रहे हैं, तुम बड़ा भाग्यशाली है, चलो जल्दी से आओ बैठ जाओ, हम तुमको ले चलते हैं, भगवान तुम्हें अविलंब बुलाए हैं। हनुमान जी ने कहा, अरे चलो मैं आ रहा हूँ, चलो आ रहा हूँ। उसने कहा, अरे हमसे तेज थोड़ी तुम चलोगे, चलो हमारी पीठ पर बैठो, मैं तुमको ले चलता हूँ, मैं स्वयं जगतपति परमात्मा का वाहन हूँ, मुझसे तेज इस सृष्टि में कोई नहीं चलता। गरुण जी के बार बार कहने पर हनुमान जी ने कहा, अरे जाओ मैं आ रहा हूँ, भगवान से कह देना आ रहा हूँ। वह आँख मुलमुलाते हुए हनुमान जी आगे बढ़ गए, गरुण जी आगे बढ़ गए, देखे कि अभी अपना जिद कर बैठा, तो इससे पहले मैं पहुँच जाऊँगा। यहाँ हनुमान जी जब गेट पर आए तो सुदर्शन उनको रोकने लगा, और गरुण जी अभी रास्ते में ही थे, हनुमान जी उनसे पहले ही गेट पर आ गए, क्योंकि वो पवन तनय बल पवन समाना हवा से भी तेज चलते थे, मारुत सुत थे। और यहाँ जब आए तो सुदर्शन लगा आउड़ी बौड़ी बतियाने कि भाई तुम, मैं भगवान से परमिशन लेके आ रहा हूँ, तब चलोगे मिलने। हनुमान जी ने कहा, भाई भगवान ने हमको बुलाया है, गरुण जी से संदेशा भेजा था। बोले कुछ नहीं, वह हनुमान जी पकड़ करके अपना जीभ में दाब लिए और दाब करके भगवान के पास चले गए। भगवान के पास जब चले गए, कुछ देर बातचीत भगवान से कर लिए, उसके बाद गरुण जी आए तो देखे तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले भाई, ये हमसे पहले यहाँ आ करके वो भी बातचीत करके खड़ा बैठे हैं, ये महापुरुष कौन है? हनुमान जी ने प्रभु से जब सब बातें कर ली तो भगवान ने कहा, अरे आपको बुलाने कोई गया था? भगवान हनुमान जी ने कहा, हाँ एक चिड़ई गया था, कहीं आता होगा। भगवान ने कहा, वो चिड़ई आपके बगल में, वो गरुण जी देखिए खड़ा है। बोले, अरे गेट पर कोई आपको रोका था हमसे अंदर मिलने के लिए? बोले, हाँ प्रभु, ये देखिए मुँह में दबाए हुए हैं। तो सुदर्शन भी निकाल करके हनुमान जी ने वहीं रख दिया भगवान के सामने। तो दोनों सुदर्शन और गरुण जी, जो भगवान के परम भक्त थे, दोनों लोग का अभिमान चूर हो गया। तो कहते हैं, भगवान भक्त के अभिमान को नष्ट करते हैं, वो भक्त को नष्ट नहीं करते। और जब अभिमान नष्ट हो जाता है, तभी प्रभु की कृपा मिया। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, और होगा वही जो प्रभु को भाएगा। भगवान शंकर व्यर्थ माता पार्वती सती को समझा रहे थे कि भाई ये राम हैं, प्रभु हैं, इनको ऐसे नर रूप में लीला कर रहे हैं, तुम शंका मत करो। लेकिन सती जी समझ ही नहीं रही थी, तब भोलेनाथ के मन में यही भाव आया कि मैं क्यों व्यर्थ चिंता कर रहा हूँ, अरे हो ही है वही जो राम रुचि राखा, अको करी तरक बढ़ाव हूँ साखा। तो कहते हैं, होगा वही जो राम जी को भाएगा, आप जो सोचोगे वो नहीं होगा, क्योंकि आपन सोची होत नहीं, हरि सोची तत्काल, अबलि चाहा आकाश को कि भेज दियो पाताल। बलि इंद्र का पद लेना चाहता था, आकाश स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसको पाताल का राजा बना दिया। तो होगा वही जो राम जी को भाएगा, और जब वही होगा तो फिर क्यों चिंता करते हो? इसलिए कहते हैं, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। फल आशा त्याग, फल की आशा त्याग दो,
और शुभ कर्म। शुभ कर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति ही शुभ कर्म है। कर्मणावाद, जैसा कि भगवान ने कहा, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ के सिवा इस संसार में जो कुछ भी होता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। तो शुभ कर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति। और परमात्मा की भक्ति कैसे करना है? तो फल आशा त्याग, फल की आशा त्याग करके। फल मिलेगा, आम लगा रहे हो, फलेगा कि नहीं फलेगा इसका मन में विचार नहीं रखो, आशा मत रखो। तुम खाओगे कि नहीं खाओगे इसकी भी आशा मत रखो, केवल अपना तुम जो भक्ति रूपी आम का वृक्ष है उसको लगा दो, और जब वह लग गया, भक्ति करते बन गई, तो उसका फल अवश्य ही अच्छा होगा, क्योंकि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जो भी कर्म यह जीव करता है निश्चय ही उसे भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जिस विधि से परमात्मा रखे उसी विधि से रहें, बस मेरा काम यही है कि परमात्मा का भक्ति पूर्वक नाम जपें, राम राम ओम ओम, तो कल्याण हो जाएगा। आगे कहते हैं कि जिन ये नाम जपो कैसे, तो हरि के भरोसे रहा को गाड़ी, भगवान के भरोसे अपनी जिंदगी को कर दो। इसी को कहें कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सुदामा जी की तरह अपनी डोर कृष्ण कन्हैया परमात्मा के हाथ में सौंप दो, दीनानाथ के हाथ में अपनी डोर दे दो कि भगवान अब आप जानो। अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने सिर्फ यही किया कि अपने रथ की डोर कृष्ण कन्हैया को दे दी। कही भगवान, अर्जुन ने कहा भगवान मेरा आप सारथी बन जाओ, मेरी डोर को आप ले लो। और जब भगवान अर्जुन के रथ के डोर को पकड़ लिए, यह शरीर ही रथ है और इस रथ पर भगवान बैठ करके मन रूपी घोड़ा के रस्सी को पकड़ लिए, तो फिर भगवान जब इस डोरी को पकड़ लिए तो क्या अपने भक्त का अहित होने देंगे? नहीं। जाकर रथ पर केसव ताकर कौन अंदेसव। तो यहाँ पर ये भक्त यही कहते हैं कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने कहा कि करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, अदुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जब इस नाव के करण धार खेवैया सदगुरु हो जाए, भगवान हो जाए, परमात्मा हो जाए, चाहे जो कहें हैं प्रायवाची, सब एक ही हैं, एक स्वरूप हैं, तो जब इसके करणधार हो जाए, डोर को पकड़ने वाले हो जाए, तब दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। जो परमात्मा दुर्लभ हैं वह सुलभ हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान को दीनानाथ को अपने ये जिंदगी का डोरा, जिंदगी का रथ चरणों में दे दो, समर्पण कर दो, जैसे राजा बलि ने किया। कहा भगवान अब कुछ नहीं बचा, मेरा शरीर ही तो है। जिस तरह से प्रत्येक महापुरुष ने समर्पण किया, उस तरह से दीनानाथ को जब हम समर्पित हो जाएंगे, तो वो जैसे रखें, महल में रखें, झोपड़ी में रखें, उस भक्त को कोई परवाह नहीं पड़ता। इसलिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। कोई आपको अच्छा बोले धन्यवाद बोल दो, और निर्विवाद निर्वैर सर्वभूतेषु, प्रकृति से निर्वैर हो जाओ, सब प्राणी में अपने भगवान को देखो, तो निर्विवाद हो करके राम राम कहिए,
उस परमात्मा का नाम जपते रहें, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आगे कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। कहें आशा अगर हो मोर दास कहाय नर आशा, करहु तो कहूँ कहाँ विश्वासा। भगवान भी अर्जुन से कहते हैं अर्जुन दूसरे की आशा मत कर, मन मना भव मत भक्तो मद्याम जी माम नमस्कुरु, मेरे को ही प्रणाम कर, मेरे को ही नमस्कार कर। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ कि सब दुखों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो परमात्मा की आशा करने के लिए महापुरुष कहते हैं कि आशा एक राम की दूजी आशा छोड़ दे। अगर किसी से आशा रखना है, यह आशा रखो कि ये हमें दुख में सहायता प्रदान करेगा, तो वह ठाकुर जी ही होगा, वह परमात्मा ही होगा। और दुनिया वाले आपको कभी सहायता करेंगे ऐसी व्यर्थ चिंतन व्यर्थ आशा न करना, क्योंकि ये दुनिया वाले आज तक किसी की सहायता किए ही नहीं। कहें गजब की एकता देखी जमाने में, जिंदों को गिराने में मुर्दों को उठाने में, ये दुनिया वाले तो यही सोचते रहते हैं। आपका पड़ोसी हो कोई भी हो, मन में सोचता है इसे ऐसा फंसा दो उबर न पाए, गोड़ घींच दो, बड़ा आगे बढ़ रहा है, इसका घर द्वार न बन पाए, बड़ा जमीन खरीद रहा है, ये फंसा देंगे ऐसा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये दुनिया वाले जिसको तुम अपना हितैषी समझ रहे हो, आके गांव में बताते हो हमारी बेटी की शादी तय हो गई, पूछ लेगा कहां पर तय हो गई, मोबाइल निकाल के फोन करके बिगाड़ देगा। तो ये दुनिया वाले तुम्हें गिराने में लगे हुए हैं, इसलिए इनकी आशा मत करो। ये जब मौका मिलेगा तुम्हारा पैर ही घींचेंगे, और जब मर जाओगे तब कहेंगे लाओ थोड़ा हम भी कान दे दें, लाओ थोड़ा हम भी कान दे दें, चार कदम ले जाने की होड़ मच जाएगी। तो गजब की एकता देखी जमाने में, जमाने में गजब की एकता है कि जिंदों को गिराने में जिंदा व्यक्ति कैसे गिर जाए, और मुर्दों को उठाने में जो मुर्दा हो गया उसको उठाने के लिए कान देने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि आशा एक रे जीव, अगर तुमको आशा ही करना है, किसी पर विश्वास करना है, तो द्रौपदी के तरह कृष्ण कन्हैया पे करो, माता सीता के तरह श्री रामचंद्र जी पर करो, सबरी के तरह प्रभु राम पर करो, कि जब तुम्हारे ऊपर दुख और संकट की घड़ी आएगी, भगवान को तुम पुकारोगे और तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी ये नहीं पहुंच पाएगी, उसके पहले ही भगवान पहुंच जाएंगे। तमाम उदाहरण है कि भगवान का नाम सूंड केवल बचा हुआ था और गज ने पुकारा, इसी सोनपुर में है वह मंदिर, तो भगवान आकर के उस गज की रक्षा कर ली। तो अगर आशा परमात्मा की करोगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे, दुनिया वाले नहीं करेंगे, इसलिए दूसरी आशा छोड़ दे। इसी पर गोस्वामी जी ने कहा कि मोर दास कहाय नर आशा, मेरा दास होकर के किसी और की आशा क्यों करता है, जब तुम मुझे याद कर रहा है। और भगवान कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो जब सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है तो ये दुनिया वालों की आशा छोड़ो। और इसलिए कहते हैं कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अगर नाता भी रखना है, रिश्तेदारी भी रखनी है, तो भगवान से रखो। ये दुनिया वाले जो रिश्तेदार हैं यह तो बदलते चले जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया एक अमरलता का
वृक्ष जो होता है पेड़ों पर रहता है, जड़ का पता नहीं, फुनगा हरा भरा रहता है, उसी तरह से नाते रिश्ते डेली हरे भरे कल्ले देते रहते हैं। ईसाली है तो ईसाला है तो उनके साला साली हैं तो उनके बहनोई हैं, नाना तरह के ये रिश्ते नाते जन्मते हैं और मरते ख़त्म होते एक तरफ से चले जाते हैं, जड़ का पता नहीं रहता है, ऊपर ऊपर कल्ला पनपते चला जाता है। तो इसलिए इन नाते रिश्ते को ख़त्म करो और भगवान से नाता जोड़ लो, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे नातेदार हैं जो हर वक्त काम आएंगे। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, असज्जन मम उर्वश कैसे लोभी, हृदय बसहि धन जैसे। सबकी ममता, नाते रिश्ते, परिवार प्रियजन का एक धागा बना लो, रस्सी बना लो और रस्सी को भगवान के चरण में बांध दो, और ऐसा अगर करोगे तो जीवन संवर जाएगा। आगे कहते हैं, काम रस त्याग पगले, नाम रस पगिए। काम रस, काम मतलब होता है इच्छाएं, नाना तरह की जो काम वासना सहित इच्छाएं हैं, अन्य इच्छाएं, इन इच्छा एक रस है और इस रस में जो व्यक्ति डूब जाता है वह निकल नहीं पाता। जैसे मक्खी, आप लोगों ने देखा होगा, चीनी का रस लेते रहती है और कुछ देर बाद जब उस मक्खी का पंख उस सीरा में डूब जाता है तो वह निकल नहीं पाती, तो दूसरी मक्खी आके कहती है, भाई निकलो, इसमें क्यों फंसी हो। वो कहती है, क्या बताएं, मैं तो सोची थी कि थोड़ा सा रस लेकर के बाहर निकल आऊँगी, लेकिन अब तो मेरा पंख फंस गया है, लगता है इसी में अब तड़पड़ा करके मर जाऊंगी। तो उसी तरह यह काम रस है, यह काम रस में मन रूपी मक्खी जाता है थोड़ा बहुत आनंद लेने के लिए, इच्छाओं के रस में आनंद लेते लेते उसकी आसक्ति बढ़ते जाती है और एक दिन उसी में डूब जाता है। फिर वह चाह करके भी निकल के भजन नहीं कर पाता परमात्मा का। लोग कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, निकलो चलो भजन करो, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता, उसी में डूब करके अपने मनुष्य शरीर को बर्बाद कर देता है। इसलिए कहते हैं कि उस रस का परित्याग करके राम रस, जो परमात्मा का रस है, भक्ति का रस है, उसमें डूबो। अगर ऐसा करते हो तो फिर मोक्ष निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि बस सीताराम 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 कहिए। बस भक्ति, भक्त का अधिकार है परमात्मा का नाम जपने में, और भगवान जिस विधि से रखें उस विधि से रहना है तो कल्याण हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम, शांति शांति शांति।